मूवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलविज न्यू। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सहो मूवी की फुल अपडेट के बारे में। तो सहो मूवी जिसमें प्रभास, श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ और काफ़ी बड़े बड़े स्टार जुड़े हैं। इस मूवी के मैं के बारे में आपको एक एक चीज़ आज बताने वाला हूँ, साथ साथ ये भी बताऊँगा कि मूवी का ट्रेलर जो है वो कितने बजे रिलीज़ होने वाला है, टाइमिंग क्या है ट्रेलर की। इतना तो सभी को पता चल गया होगा कि आज ही ट्रेलर रिलीज़ होगा, लेकिन कुछ ही लोगों को पता होगा कि कितने बजे, टाइमिंग कब है ट्रेलर रिलीज़ होने की। तो सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो को, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, उससे पहले बता दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सहो मूवी जो कि इंडियन सिनेमा की आप कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी होने वाली है, ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है आज के दिन यूट्यूब पे, और मुझे लगता है यूट्यूब हैंग होने वाला है, टी सीरीज आज हैंग होने वाला है पूरा का पूरा। टाइमिंग बताने से पहले ये मैं बता दूं कि इस मूवी का जो टीज़र है पहले रिलीज़ हो चुका है, अगर आपने अभी तक वो टीज़र नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें। सॉन्ग्स इस मूवी के दो पॉपुलर हिट सॉन्ग रिलीज़ हो चुके हैं, एक है साइको सिंह, दूसरा है एनी सोनी, तो वो भी रिलीज़ हो चुके हैं, वो भी नहीं देखे उन्हें भी जरूर देखें। तीसरी बात मैं बता दूँ, इस मूवी का क्रेज़ सोशल मीडिया पे कल रात से ही बढ़ चुका है। फेसबुक उठाओ आप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी देखो आपको ट्रेंडिंग पे मिलेगा सहो ट्रेलर, सहो ट्रेलर, सहो ट्रेलर। तो क्रेज़ तो इस ट्रेलर का पहले से ही बढ़ चुका है। प्रभास जो कि बाहुबली की सुपर डुपर हिट, बाहुबली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद उनकी सीधी जो मूवी आ रही है वो आ रही है सहो मूवी। इसके बीच यानी बाहुबली और सहो के बीच उन्होंने कोई भी मूवी नहीं की, तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों में पैदा कर रहा है, क्योंकि बाहुबली के बाद एकदम से सहो मूवी है और उसके बीच कोई मूवी भी नहीं आई ताकि लोग जान सके प्रभास को और मूवी उनकी देख सके, तो कोई मूवी नहीं देखी, सिर्फ सहो मूवी आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बात की जाए इस मूवी के कॉम्बिनेशन की, इसमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर लिए गए हैं, प्रभास हो गए, साथ ही और भी आपको एक्टर दिखाई देंगे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इसमें एक्टर लिए गए हैं, नील नितिन मुकेश हो गए, श्रद्धा कपूर हो गई, जैकी श्रॉफ हो गए। तो एक सोच समझ के जो मूवी के मेकर्स हैं उन्होंने सोच समझ के कास्ट इस मूवी की चूज़ की है कि किस किस मूवी को, किस किस एक्टर को मूवी में रखा जाएगा। तीसरी बात मूवी का बजट, मूवी का बजट ही आप कह सकते हैं कि लोगों में एक एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। 300 करोड़ का बजट है, इससे पहले कौन सी मूवी इतनी बड़ी आई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि फ्लॉप रही थी। उससे पहले उसके बाद मूवी आई थी सबसे बड़ी मूवी रोबोट 2.0, सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी और अक्षय कुमार की मूवी थी, उस मूवी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, भले ही वो ब्लॉकबस्टर ना हो पाई हो लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी, रजनीकांत की परफॉर्मेंस अच्छी थी, अक्षय कुमार की ग्राफिक्स उसमें अच्छे थे, स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती थी लेकिन वो भी काफ़ी आप कह सकते हैं रिलेटेबल स्टोरी थी। अब सीधे सहो मूवी के में आते हैं, सहो मूवी के बारे में और डिटेल में आपको बता दूँ, डायरेक्ट इस मूवी को कर रहे हैं सुजीत। मूवी के प्रोडक्शन में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जुड़ी है, प्रोड्यूस मूवी को यूवी क्रिएशन कर रही है, और टी सीरीज़ तो आप जानती हैं, कौन नहीं जानता टी सीरीज़ को, पूरी आप कह सकते हैं दुनिया में छाई हुई है इस वक्त, खासकर अपने यूट्यूब चैनल को लेके। लैंग्वेज इस मूवी को सिर्फ हिंदी में ही नहीं, तेलुगू, तमिल, मलयालम में भी रिलीज़ किया जाएगा, हिंदी में तो किया ही जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सहो मूवी का ट्रेलर जो है वो हिंदी का रिलीज़ किया जाएगा, टी सीरीज़ पर, और बाकी अदर लैंग्वेज खास करके तेलुगु का जो है यूवी क्रिएशन अपने ऑफिशियल अकाउंट से उस टीज़र को शेयर करने जाएगा। बात की जाए म्यूज़िक डायरेक्टर की, तो शंकर एहसान लॉय मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और काफ़ी पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। बात की जाए मूवी के बजट की, मैंने आपको बताया 300 करोड़ मूवी का बजट है, जो उस मूवी के लिए एक्शन मूवी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक्शन मूवी है तो मूवी के जो ग्राफिक्स है, एक्शन सीन्स है, वो रियलिस्टिक लगने चाहिए, उसमें आपका पैसा खर्च होगा, बजट ज़्यादा होगा ही होगा, तो उसके हिसाब से ये बजट मुझे लगता है काफ़ी सही है। अब बात करते हैं ट्रेलर की, ट्रेलर आपको पता है आज के दिन रिलीज़ होगा 10 अगस्त 2019 को, और फुल ऑफ एक्शन, जितना एक्सपेक्टेशन जो ट्रेलर से लगाई जा रही है वो ये है कि ये एक एक्शन पैक ट्रेलर होने वाला है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में आपको बता दूँ कि ट्रेलर देखते समय किन
चार पांच चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमें अभी तक नहीं पता। वैसे कौन कौन सी चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहला है विलन। मूवी में रियल विलन कौन होने वाला है अभी तक रिवील नहीं किया गया है, ना टीज़र में रिवील किया गया, ना किसी सॉन्ग में आपको ऐसा कुछ देखने को मिला, ना ही कोई रिपोर्ट सामने आई। कौन इस मूवी में मेन विलन होने वाला है वो ट्रेलर से हमें पता चल सकता है आज के दिन, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। ट्रेलर देखना और उसमें पता ध्यान से उस ट्रेलर को देखना कि विलन आखिरकार मूवी में होने कौन वाला है। फिर दूसरा देखना होगा एक्शन सीन्स, क्या मूवी में एक ग्राफिक जो यूज़ किए गए हैं वो सही है या फिर ऑल इंडियन मूवीज़ की तरह ही है। वैसे टीज़र में ज़्यादातर जो एक्शन सीन्स दिखाए गए थे वो काफ़ी अच्छे थे, चाहे वो बाइक चेजिंग सीन्स हो, चाहे वो आप कह सकते हैं वो रेतीले सीन्स हो मैडमैक्स की तरह, चाहे आप एक उसमें थोड़ा आपको अजीब सा सीन दिखाई देगा जब वो बड़ा ट्रक प्रभास की बाइक के ऊपर गिरता है टीज़र में, तो वहाँ पे थोड़ा ग्राफिक का झंझट था लेकिन ऑल ओवर टीज़र काफ़ी अच्छा था। तो ये भी हमें देखना होगा कि एक्शन का कितना बजट एक्शन में खर्च किया गया है, साथ साथ कैरेक्टर्स किस कैरेक्टर्स को किस तरह से दिखाया गया है। प्रभास का तो पता है कि मेन लीडिंग रोल में हीरो रहने वाले हैं, लेकिन नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ जितने और उसमें आर्टिस्ट हैं उनको किस तरह से मूवी में दिखाया जाएगा, चंकी पांडे तो ये किस तरह से मूवी में होंगे ये देखना होगा। लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सभी के लुक रिलीज़ कर दिए गए हैं, वो अगर आपने अभी तक वो लुक नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। चौथी बात है ग्राफिक्स, मेन पॉइंट ग्राफिक्स जो कि इस मूवी में लग रहा है कि बेहतर होने वाले हैं अभी तक जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हुई है। तो ग्राफिक अगर सही होते हैं मूवी के तो ये मूवी के लिए एक एडवांटेज होगी, पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आने वाले जो और भी मूवीज़ एक्शन मूवीज़ इंडिया में रिलीज़ हो तो उनमें ग्राफिक अच्छा यूज़ किया गया, ना कि आपको फेक ग्राफिक लगे जो कि मूवी का मजा ख़राब करें या स्टोरी। कई बार होता है कि स्टोरी मूवी की काफ़ी अच्छी होती है लेकिन ग्राफिक्स मूवी में उतने अच्छे यूज़ नहीं किए गए होते। तो अब जो 300 करोड़ बजट की ये मूवी बन रही है साहो मूवी, इसमें स्टोरी भी अच्छी हो और ग्राफिक भी अच्छी हो तो मज़ा मूवी देखने में डबल हो जाएगा। कॉमेडी सीन्स, जितना अभी तक हमें पता चला है टीज़र से उतना अभी तक ज़्यादातर जो शो किया गया है उसमें सॉन्ग्स आपको बताए गए हैं, म्यूज़िक होने वाला है, लव एंगल होने वाला है, एक्शन सीन्स होने वाला है, लेकिन उसमें अभी तक इतना नहीं पता चला कॉमेडी कितना तड़का होने वाला है। टीज़र में थोड़ा बहुत देखने को मिला था जिसमें एक फैंस का डायलॉग, फैन वाला डायलॉग था कि ये लोग इतने वायलेंट क्यों हैं, तो प्रभास कहते हैं डाई हार्ड फैन, तो वो थोड़ा कॉमेडी सीन था। लेकिन देखना ही होगा कि ट्रेलर में कितना कॉमेडी सीन दिखाया जाता है, क्या मूवी में कॉमेडी भी रखी गई है या सिर्फ लव एंगल या सॉन्ग या एक्शन, प्रॉपर एक्शन मूवी होने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होगी, आज ट्रेलर से हमें पता चलेगी कि मूवी में कितना कुछ आगे दिखाया जाएगा और ट्रेलर से ही वो पता चल सकता है। तो आपको क्या कहना है साहो मूवी के बारे में? और मैं बता दूँ इस ट्रेलर को जो है रिलीज़ किया जाना है 5 बजे। जी हाँ दोस्तों, 5 बजे इस ट्रेलर को रिलीज़ किया जाना है शाम में। तो टी सीरीज़ मैंने आपको बताया, टी सीरीज़ में इस ट्रेलर को रिलीज़ किया जाएगा हिंदी में, और बात की जाए तेलुगू में तो इसे यूवी क्रिएशन में के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा। तो आपको क्या कहना है साहो मूवी के बारे में, इसकी न्यू अपडेट के बारे में, ट्रेलर के अपडेट के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रभास की जो फर्स्ट स्क्रीनिंग रखी जाएगी साहू की, वो कहाँ पे रखी जाएगी? तो आपको पता है रिसेंटली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू ने काफ़ी थिएटर्स लॉन्च किए थे जिनका नाम था AMB सिनेमा। तो अब प्रभास भी जो है कई थिएटर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें से उनका जो थिएटर होगा वो होगा वी एपिक थिएटर। तो उसमें रखी जाएगी साहो की फर्स्ट स्क्रीनिंग, जितना अभी तक पता चल रहा है। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग जो साहो की रखी जाएगी उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो काफ़ी एपिक थिएटर होने वाला है, जितना अभी तक पता चला है काफ़ी लग्जरी थिएटर होने वाला है। और मूवी तो आपको पता ही है कि ऑफिशियल जो मूवी रिलीज़ होनी है वो 30 तारीख को रिलीज़ होनी है, 30 अगस्त को, पहले 15 अगस्त को रिलीज़ होनी थी लेकिन अब डेट जो है शिफ्ट कर दी गई थी 30 तारीख को, यानी 30 अगस्त को अब ये मूवी रिलीज़ होने वाली है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये अपडेट
मुझे और भी देनी थी कि फर्स्ट स्क्रीनिंग जो रखी जाएगी वो रखी जाएगी वी एपिक थिएटर में, प्रभास के वी एपिक थिएटर में। धन्यवाद।